अगर आप मेरे पास अपना कोई मसला लेकर आते हैं, सवाल लेकर आते हैं, तो मैं आपके नाम और आपकी तारीख पैदाइश की एनर्जी से मैं आपको बताऊंगी कि आपको अपने मसले के हल के लिए क्या करना चाहिए। अगर मैं कहूँ तो ये साल जो है, अगर हम इसको कैलकुलेट की जाए, इल्मुल एदाद है, एक एस्ट्रोलॉजी है, एक टैरो कार्ड्स होते हैं, तीनों में माशाल्लाह से मैं काम कर रही हूँ। तो इल्मुल एदाद 2023 को बताता है, नंबर्स को ऐड करें तो बनता है नंबर 7। सेवन नंबर बनता है, नंबर 7 जो होता है वो केतु की एनर्जी होती है। अच्छा। केतु का ये साल रहेगा रूहानियत का साल, यानी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होंगी, रूहानियत से रिलेटेड होंगी, अल्लाह ताला से कनेक्शन लोगों का जो है वो ज़्यादा बनेगा। अच्छा। नेचर से कनेक्शन ज़्यादा बनता हुआ नज़र आ रहा है, और ये जो हम लोग काम करते हैं उससे ज़्यादा लोग जो है वो फ़ायदा उठा सकेंगे। अब जैसे कि आपने कहा कि हमारे मजहब में थोड़ी कुछ लोगों को इस चीज़ से इख्तलाफ है, क्यों है इख्तलाफ? अब देखें, अगर हम एस्ट्रोलॉजी को लें या टैरो कार्ड्स को लें, इल्मुल एदाद को, जो लोग कहते हैं कि हम 5 साल के बाद प्रिडिक्ट करते हैं, जब लोग आते हैं हमारे पास तो कहते हैं, कुछ एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो कहते हैं कि 5 साल के बाद आपकी किस्मत बदल जाएगी, तो ये एक फेक है, फ्रॉड है और कुछ भी नहीं होता। अच्छा। या वो कहते हैं कि तावीज़ और ये इस तरह की चीज़ें जो होती हैं, इसमें कोई शक नहीं है, ये सब कुछ फ्रॉड है। बेशक गैब का इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के पास है, लेकिन ये भी एक साइंस है, एक कैलकुलेशंस होती हैं। जैसे दूसरे जैसे सब्जेक्ट्स होते हैं, आप साइंस पढ़ते हैं, सोशल स्टडीज़ पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, इसी तरीके से एस्ट्रोलॉजी और टैरो कार्ड्स भी एक इल्म है, और उसके ज़रिए से हम लोगों की ज़िंदगी में पॉजिटिविटी पैदा करते हैं, लोगों को गाइड करते हैं कि आप लोग कन्फ्यूज़ होते हैं कभी कभी अपनी ज़ाती ज़िंदगी में, अपने फाइनेंसिस को लेके, कैरियर को लेके, अपनी शादी को लेके, रिलेशनशिप्स को लेकर इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि उनको समझ नहीं आता, क्लैरिटी नहीं मिलती है। तो हम थोड़ा सा क्लियर चीज़ें बताते हैं कि आप ये चीज़ अख्तियार, जैसे हमारे मज़हब में भी कहते हैं ना, इस्तखारा कर लेना चाहिए, जब आप परेशान होते हैं तो इस्तखारा कर लेना चाहिए ताकि चीज़ें क्लियर हो जाएँ। तो इस ये भी ऐसे ही इल्म है, इसमें गैब का इल्म नहीं है, इसमें हम मैं ये नहीं बता सकती कि 5 साल बाद आपकी ज़िंदगी क्या अख्तियार करें, लेकिन मैं आपको गाइड ज़रूर करूँगी, आपको रास्ता ज़रूर दिखाऊँगी कि ये चीज़ आपके लिए बेहतर है। अच्छा, टैरो कार्ड्स बेसिकली क्या है? टैरो कार्ड्स भी ऐसे ही है, 78 कार्ड्स होते हैं, मैं आपको कार्ड भी बता दिखा देती हूँ। और इसमें जैसे एस्ट्रोलॉजी में प्लैनेट्स होते हैं ना, प्लैनेट्स, स्टार, ज़ोडियक साइंस, तो इसमें भी ज़ोडियक साइंस होते हैं, प्लैनेट्स होते हैं। अगर आप मेरे पास अपना कोई मसला लेकर आते हैं, सवाल लेकर आते हैं, तो मैं आपके नाम और आपकी तारीख पैदाइश की एनर्जी से मैं आपको बताऊंगी कि आपको अपने मसले के हल के लिए क्या करना चाहिए।